चैप्टर है पार्ट्स पास्ट परफेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अगर पिछला मेरा कोई भी वीडियो आपको छूट चुका है तो आप उसे मेरे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चुका था, चुके थे। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट परफेक्ट बनाए तब हैव के जगह, या अगर यहां हैज होता उसके जगह हम हैड का प्रयोग करते, आई हैड ईटन। परंतु पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो काम एक के बाद एक होता है, यानी एक समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम समाप्त होता है, तब हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। या एक काम छुपा हुआ होता है, लुप्त होता है, तब हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वह भागलपुर गया, He went to भागलपुर, अगर हम बोले कि वह भागलपुर गया था तो भी वह पास्ट इंडिफिनिट में होगा, He went to भागलपुर, क्योंकि इसमें दो काम होने जरूरी है। उदाहरण के लिए एक मैं उदाहरण देता हूं, तुम्हारे आने से पहले हुआ जा चुका था, या एक सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, लेकिन इसमें दो काम हो रहा है, तुम्हारा आना, उसका जाना। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो पहला कौन सा काम संपन्न होता है, पहला वह जा चुका था, यह पहला काम है, और तुम्हारा आना यह दूसरा काम है। जो काम पहले संपन्न हो चुका है उस पर हम लोग पास्ट परफेक्ट के विधि से बनाते हैं, एस प्लस हैड प्लस V3। और जो काम बाद में संपन्न होता है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा चुका था, इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, He had gone. He had gone. पहले का अंग्रेजी होता है before. Before तुम्हारे आने, यानी subject you, आना का V2 होता है came. मेरा sentence क्या बना? He had gone before you came. अब इसे हम इस तरह ही बना सकते हैं, before you came he had gone. हम दोनों तरह से इसको बना सकते हैं।
अब हम कुछ और सेंटेंस पर विचार करेंगे। कुछ सेंटेंस को और हम देखते हैं। उसके जाने के बाद तुम आए, उसके जाने के बाद तुम आए, इसमें भी दो काम है, उसका जाना तुम्हारा आना। इसमें भी पहला काम कौन संपन्न होता है, उसका जाना इसके बाद तुम्हारा आना। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, यू कैम आफ्टर ही हैड गॉन, यू कैम आफ्टर ही हैड गॉन, या हम इसको इस तरह ही बना सकते हैं, आफ्टर ही हैड गॉन यू कैम, दोनों तरह से हम बना सकते हैं। इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें भी दो काम है, डॉक्टर का आना, रोगी का मरना। यह पहला काम हुआ, यह दूसरा काम हुआ। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, द पेशेंट हैड, मरना का होता है डाई, डाई डाई डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। इस तरह हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब कुछ सेंटेंस पर हम और विचार करेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो काम नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस से पता चलता है कि वह काम भूतकाल में पहले ही समाप्त हो चुका है, उसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट के रूप में बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया था, मैंने पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया था। इस तरह के सेंटेंस में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। इसी तरह अगर रहे, तुमने पहले ही जलपान कर लिया था, तुमने पहले ही जलपान कर लिया था, यह हम लोग कैसे बनाएंगे, यू हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट,
इसी प्रकार अगर सेंटेंस रहे कि वह पहले कभी दिल्ली नहीं गया था, वह पहले कभी दिल्ली नहीं गया था, ही हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। इस तरह हम लोग इस तरह के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। या अगर ऐसा सेंटेंस रहे कि वह बहुत पहले ही सो गया था, वह बहुत पहले ही सो गया था, इस तरह के सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। यह कैसे बनेगा? ही हैड स्लेप्ट मच अर्लियर। तो अगर इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, और अगर आज के चैप्टर में आपको किसी तरह को कोई कठिनाई अगर आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।